सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है और जो इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक करके उनका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब किसी मीडियम के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। लाइक आपने अपने दोस्त को मैसेज करके बताया कि यार इस जगह पे आज खाना खाने जाना है, तो जो आपने मैसेज किया वो क्या है, किसी मीडियम के थ्रू, आपने मोबाइल के थ्रू किया, इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज उसके पास चला गया। तो आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं आप क्या हैं, सेंडर हैं, और आपके दोस्त को आपका मैसेज मिला वो क्या है, रिसीवर। रिसीवर और सेंडर के दरमियान किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी बात आ रही थी कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में जो इम्प्लॉयज़ हैं, आपस में जो मैनेजमेंट सिस्टम है, टॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, जो CEO हैं, जो सब ऑर्डिनेट है, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है आपस में उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी इसकी आगे 3 मेजर टाइप्स हैं, एक एक करके इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आ जाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सुपीरियर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो CEO हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे वाली जो लोअर मैनेजमेंट है, जो इम्प्लॉयज़ हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, उनके साथ उनको जो ऑर्डर करते हैं, उनको जो कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ये काम करना है, वो क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट से, सुपीरियर से जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल और के नीचे आती है उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी सेकंड पे आ जाती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हमारी लोअर मैनेजमेंट है, जो सबऑर्डिनेट हैं, जो इम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने जो अपना पैगाम देना है, वो जब टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाते हैं इन्फॉर्मेशन, अपने सुपीरियर तक पहुँचाते हैं, CEO तक पहुँचाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अभी लास्ट पे आ जाती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो एक टाइप के इम्प्लॉयज़ हैं, लाइक उनका रैंक एक जैसा है, उनकी अथॉरिटी सिमिलर हैं, उनकी जो पोजीशन है वो एक जैसी हैं, तो जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे को पैगाम, इंफॉर्मेशन उनके दरमियान जो ट्रैवल होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है ना, ये फॉर्मल फॉर्म में भी हो सकती है और इनफॉर्मल फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।